अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सा रिक्वायरमेंट आया है शटडाउन लॉन्ग टर्म का, बहुत ही अच्छा रिक्वायरमेंट है। उम्मीद करेंगे ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये रिक्वायरमेंट गल्फ़ कंट्री का रिक्वायरमेंट, और ये अभी क्या मुंबई के अंदर कुछ इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं जो कि ऑफ़िस खुल चुके हैं, और कुछ मुंबई के अंदर ऑफिस स्टार्ट हो चुके हैं जो कि इंटरव्यू होंगे, और कुछ ऑनलाइन भी है ऑफ़लाइन भी इंटरव्यू होने के चांसेस हैं यहाँ पे। तो आपको पूरा डिटेल बताएंगे। अगर शटडाउन के लिए आप जॉब ढूंढ रहे हो सकता है आपके लिए ये हेल्पफुल हो। शटडाउन गैस्को का बहुत ही अच्छा, और डेस्कॉन का भी बहुत सा जॉब है। वेल्डर, फिटर, फैब्रिकेटर, बहुत सा ऐसे मैकेनिकल एंड सिविल फील्ड से भी रिलेटेड सारा कुछ बहुत कुछ जॉब आया हुआ है। तो पूरी जॉब की डिटेल इंसान बताएंगे आपको, और कोशिश करेंगे पूरी डिटेल्स बताने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इससे पहले हमने आपको पहले ही बताया था, हमने लड़के को लॉन्च किया था यूट्यूब पे, उसके चैनल का छोटा सा लिंक, छोटा सा वीडियो का क्लिप मिल जाएगा इस पर, और लिंक अवेलेबल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको वीडियो देखें अगर आपको अच्छा लगे तो लिंक पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इसके चैनल का। चलिए फिर वीडियो पूरी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे चैनल का नाम है रेहान सिद्दीकी व्लॉग 5। आप जैसे कि अबू के वीडियो को सपोर्ट करते हो वैसे हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। जैसे कि आपने वीडियो देखा, अगर वीडियो आपको ये क्लिप आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो पूरी वीडियो देखने के लिए और चैनल पर विजिट करने के लिए लिंक अवेलेबल है सिंपली डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप रिडायरेक्ट हो सकते हैं उसके चैनल पे, और वहाँ से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए फिर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरी रिक्वायरमेंट के बारे में बताते हैं डिटेल। यूएई का रिक्वायरमेंट है। ये यूएई रेपुटेड फॉर द लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी। शटडाउन प्रोजेक्ट गैस्को एंड बहुसा एरिया अबूधाबी का ऑयल एंड गैस रिफाइनरी मेंटेनेंस प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है। ये क्लाइंट इंटरव्यू नेक्स्ट वीक है। मुंबई, चेन्नई, कोची, 3 जगह में क्लाइंट इंटरव्यू चल रहा है। अगर आप मुंबई, कोची, चेन्नई कहीं भी अवेलेबल है तो इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इंटरव्यू दे सकते हैं सिंपली। तो कौन कौन से जॉब का रिक्वायरमेंट वो पहले जान लेते हैं। क्यूए क्यूसी का रिक्वायरमेंट है वेल्डिंग, पेंटिंग, इंस्ट्रूमेशन, तीनों कैटेगरीज में। और क्यूसी इंस्पेक्टर का रिक्वायरमेंट मैकेनिकल पाइपिंग हाइड्रो टेस्टिंग के लिए, और क्यूसी का रिक्वायरमेंट है क्यूसी इंस्पेक्टर का इंस्ट्रूमेंट में क्यूसी इंस्पेक्टर रिक्वायर्ड है। एचएससी इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर, पाइपिंग सुपरवाइजर, इंस्ट्रूमेशन सुपरवाइजर, मैकेनिकल सुपरवाइजर की भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। सैलरी डिटेल मेंशन की हुई है और कितनी क्वांटिटी वो भी रिक्वायर्ड है। सेफ्टी ऑफिसर, पाइपिंग सुपरवाइजर, इंस्ट्रूमेशन सुपरवाइजर, मैकेनिकल सुपरवाइजर, हाइड्रो टेस्ट सुपरवाइजर, परमिट कोऑर्डिनेटर एंड MECR मैकेनिकल रोटेरी एंड सीमेंट सपोर्टर एंड फूड प्लस अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ओवरटाइम वगैरह सब कुछ कंपनी की तरफ से रहेगा। 5 साल का तकरीबन आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए रिफाइनरी मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में। अगर आपके पास ये सारा कुछ एक्सपीरियंस है, अगर आप एलिजिबल हैं चेक कर लें एक बार, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपली मेल ID दिया हुआ है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप इस फील्ड में है तो ज़रूर अप्लाई करें। हमारा सजेशन यही होगा, हो सकता है आपके लिए बहुत 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 ही बेस्ट ऑप्शन ये आपके लिए साबित हो, बहुत बेस्ट ऑफर ये आपके लिए साबित हो। और बात करें कंसल्टेंसी तो आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन अच्छी कंसल्टेंसी। देख लें यहाँ पे सैलरी भी टोटल मेंशन की हुई है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन ये जॉब है, बहुत ही अच्छा ऑफर है, हो सकता है आपके लिए बेहतर हो, तो इसमें अप्लाई करें। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बहरीन का निकल के आ रहा है। पूरी रिक्वायरमेंट की बात करेंगे इंशाल्लाह, डिटेल बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑपरेटर फील्ड का कुछ निकल के आ रहा है, और डेंटर पेंटर का भी रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है। मोबाइल क्रेन ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, बहरीन का ये रिक्वायरमेंट है। अम्बे इंटरनेशनल की तरफ से ये रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है। वन स्टॉप रिक्रूटमेंट, अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर द लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी बहरीन, लॉन्ग टर्म जॉब। ये लॉन्ग टर्म के लिए, और कैंडिडेट जो भी अवेलेबल है बहरीन में वो सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, कैंडिडेट जो भी इंडिया के अंदर अवेलेबल है वो अप्लाई कर सकता है, चाहे ECR पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। ECR है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ECR है तो कोई बात ही नहीं। फिर वी हैव ओपनिंग फॉर द बिलो पोजिशन, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, डेंटर पेंटर, मैकेनिस्ट का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे सैलरी नेगोशिएबल है, इमीडिएटली सिलेक्शन होगा, फ्लाइट विदिन 7 दिन बहरीन, 7 दिन में फ्लाइट होने का चांस है। गम का मेडिकल है ये। इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट है व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, कॉल कर ले, मेल कर ले। अगर आप मेल करना चाहते हो तो मेल करें। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें। और बात करें अम्बे इंटरनेशनल की तो बहुत ही बेहतरीन अच्छी कंसल्टेंसी, भरोसा कर सकते हैं, हो सकता है इंशाल्लाह जॉब आपके लिए बेहतर साबित हो। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। अबूधाबी का रिक्वायरमेंट है, पूरी डिटेल्स बताने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड का भी कुछ रिक्वायरमेंट है इसमें। तो इसकी अगर बात करें यहाँ पे तो ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर द रेप्यूटेड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी इन अबूधाबी में कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी का रिक्वायरमेंट एडनॉक प्लांट ओपनिंग इन द मेंटेनेंस शटडाउन टर्न अराउंड। एडनॉक के प्लांट का ये बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त ऑफर है, हो सकता है आपके लिए बेटर साबित हो। अगर आपका रिक्वायरमेंट है इस फील्ड में, अगर आप हैं इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेशन टेक्नीशियन, मैकेनिकल टेक्नीशियन, कंट्रोल रूम सुपरवाइजर एंड फील्ड ऑपरेटर, इन फील्ड में से अगर आप हैं तो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। हमारी ये सजेशन होगी। ये क्वालिफिकेशन डिग्री डिप्लोमा ITI होना चाहिए आपके पास। कैंडिडेट को 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट एंड सबस्टेशन एक्सपीरियंस भी प्रिफर्ड किया जाएगा। अगर आपके पास ये सब कुछ है, इंटरेस्टेड है तो आप इंटरेस्टेड है तो मेल कर ले। सिंपली मेल ID यहाँ पे मेंशन किया है, मेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वारीज रहती है तो यहाँ पे फ़ोन नंबर मेंशन किया, फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। हो सकता है फ़ोन का रिप्लाई ना मिले तो मेल के थ्रू आप रिप्लाई ले पाने की कोशिश करें। पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे रीड कर लें अच्छी तरह, क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और बात करें एमगी वाला ग्लोबल की, बहुत ही अच्छी बेहतरीन कंसल्टेंसी, हो सकता है आपके लिए बेहतर और बेहतरीन ऑफर हो, तो इसमें अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है, दुबई का रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है। ये रिक्वायरमेंट है क्लीनर का। अगर क्लीनर हो कोई बंदे इंटरेस्टेड है जाने के लिए तो जा सकते हैं। यहाँ पे अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर द लीडिंग फैसिलिटी मेंटेनेंस इन दुबई, यहाँ पे क्लीनर की रिक्वायरमेंट। कैंडिडेट के पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। और कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ मेंशन किया हुआ है, मेल ID मेंशन किया। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेल कर सकते हैं, यहाँ पे मेल ID मेंशन है। सिंपली कोई भी डाउट्स रहता है तो क्लियर कर सकते हैं फ़ोन करके। और इंटरेस्टेड कैंडिडेट अब अपडेटेड CV, पासपोर्ट कॉपी, फोटो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह, पोजीशन अप्लाई जरूर करें। सब्जेक्ट लाइन में ये सारा कुछ रेडी करके मेल कर दें और इंशाल्लाह वेट करें, रिप्लाई आएगा इंशाल्लाह। और ग्लोब बात करें कंसल्टेंसी की तो एमगी वाला कंसल्टेंसी बहुत ही अच्छी बेहतरीन कंसल्टेंसी, भरोसेमंद है, इसमें भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए जॉब ये बेहतर साबित हो। अगली रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। अगला रिक्वायरमेंट निकल कर रहा है, सऊदी अरबिया का रिक्वायरमेंट निकल कर रहा है। कौन कौन से फील्ड का है इसका डिटेल बात करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे बात करने के लिए। इसकी अगर बात करें तो ये मेंटेनेंस का निकल के आ रहा है। हायरिंग फॉर द लीडिंग कंपनी सऊदी अरबिया, ऑनलाइन इंटरव्यू, कैंडिडेट हैव बीन इन इंडिया और सऊदी, मॉल इमीडिएट स्टैंपिंग एंड डिपार्चर पोस्ट लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद वो इमीडिएट सारा कुछ इमीडिएट होने वाला। अभी जितना भी इंटरव्यू चल रहा है ना, लॉकडाउन खत्म होकर घुस करके बंदे उड़ाने के चक्कर में है। अभी फ्लाइट व्लाइट भी सारे खुलने का चांसेस है। अभी देखिए, प्रोजेक्ट पावर सब्सट्रैक्शन एंड प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में रिक्वायर्ड है, मेंटेनेंस इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में, प्रोटेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में रिक्वायर्ड है। असिस्टेंट मेंटेनेंस टेक्नीशियंस की भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। और बात करें यहाँ पे कंसल्टेंसी तो कंसल्टेंसी अल यूसुफ कंसल्टेंसी है। ऑल अबव हैव द प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपका सर एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेम फील्ड का एक्सपीरियंस आपके पास है तो अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर से व्हाट्सअप कर सकते हो। सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो। और कंसल्टेंसी अच्छी है, भरोसा कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ इशू नहीं है, भरोसेमंद कंसल्टेंसी। नेक्स्ट, हायरिंग फॉर द ट्रांसपोर्टिंग कंपनी कतर, ये भी सेम कंसल्टेंसी का रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है। ये कतर के लिए रिक्वायरमेंट है, बट ये कतर के हायरिंग लीडिंग कंपनी कतर में है। यहाँ पे देख लें, ये जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग डिपार्टमेंट से रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हायर फॉर द लीडिंग ट्रांसपोर्ट कंपनी कतर, हेवी ड्राइवर की रिक्वायरमेंट, टेलर के सावल, बुलडोजर ड्राइवर एंड मैकेनिक डीजल एंड मैकेनिक पेट्रोल, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन, हाउस ड्राइवर, सुपरवाइजर, क्लीनर। तो अपने पास बहुत से भाई जुड़े हुए थे, तो हो सकता है आपके लिए ये हेवी ड्राइवर वगैरह का बहुत कुछ जॉब है, तो हो सकता है आपके लिए बेहतर हो। सरफराजुद्दीन खान एक जुड़े हुए थे हमारे साथ जो कि हेवी ड्राइवर हैं, तो हो सकता है इसमें ट्राई करें आप, अगर हो सकता है बेहतर साबित हो। इलेक्ट्रिशियन में अरुण कुमार है और बलराम मेथ्यू जी इलेक्ट्रिशियन में। अगर आपके ऑटो इलेक्ट्रिशियन है तो देख लें, इसमें ट्राई कर लें। और ये सिर्फ इलेक्ट्रिशियन है तो अलग की बात है। बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन का भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, प्लम्बर का भी मेंशन किया है, सुपरवाइजर क्लीनिंग एंड मस्जिद का भी मेंशन किया हुआ है। अगर ये सब आप हैं तो अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए पूरा प्रोसेस हमने पहले ही बता रखा है। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, व्हाट्सअप नंबर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और बाकी का पूरा प्रोसेस जानने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। बात करें कंसल्टेंसी तो अच्छी है, भरोसेमंद है, इसमें भरोसा कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, हो सकता है बेहतर आपके लिए साबित हो। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटैलिटी का रिक्वायरमेंट है। यहाँ से हॉस्पिटैलिटी का अगर बंदे देख रहे हैं, अगर वो जॉब ढूंढ रहे हैं, बेटर जॉब की उम्मीद में है, तो हो सकता है आपके लिए ये बेहतर ऑफर साबित हो। तो हायरिंग फॉर द हॉस्पिटैलिटी कंपनी इन कतर, तो यहाँ पे आप मेल ID मेंशन किए। तो आप रजिस्टर करने के लिए अली यूसुफ के यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए www.aliyusufjob.com/register यहाँ पे जाने के बाद में पर्सनल इंटरव्यू इन कतर होने वाला है। यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा जॉब मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे कौन कौन सा जॉब का चाहिए, डाइनिंग हॉल सुपरवाइजर का चाहिए, कमीशन चीफ का चाहिए, साउथ इंडियन कुक का चाहिए एंड पैरट मेकर का चाहिए, फूड सर्वर का चाहिए, वेटर का चाहिए, रूम अटेंडेंस का चाहिए, साउथ अकाउंट सुपरवाइजर के जो सिक्योरिटी ऑफिसर एंड क्लीनर का रिक्वायरमेंट मिनिमम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री कैंडिडेट शुड है अवेलेबल इन कतर। अगर आप कतर के अंदर अवेलेबल हैं तो आपके लिए ये जॉब है, एनओसी वगैरह सारा कुछ लगेगा। अगर कतर के अंदर अवेलेबल नहीं, इंडिया में है तो इंडिया से थोड़ा चांसेस कम रहता है। तो आपको हो सकता है सिलेक्ट हो या ना हो अलग की बात है, बट इंडिया से चांसेस थोड़ा कम रहता है। कतर में है तो वहाँ से चांसेस ज़्यादा है, वहाँ से अप्लाई करें और वहाँ से लोकल जॉब पाने की कोशिश करें। और कुछ और रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है मस्ट, ये भी अगर रिक्वायरमेंट है जो कि अगर आप अवेलेबल है अब्रॉड में तो आपके लिए है। ये कतर का रिक्वायरमेंट है, जी हाँ कतर का रिक्वायरमेंट। इसमें रिक्वायरमेंट में कौन सा है, ये लीडिंग कंपनी इन कतर है, इलेक्ट्रीशियंस प्लम्बर एंड एचवीसी टेक्नीशियन, जनरल मैकेनिस्ट, पेंटर, मेसन, कारपेंटर का रिक्वायरमेंट। यहाँ पे किचन एंड लॉन्ड्री टेक्नीशियंस का रिक्वायरमेंट है। अगर आप कतर के अंदर अवेलेबल है, एनओसी वगैरह सारा कुछ है आपके पास में, ट्रांसपोर्ट इकामा वगैरह का फैसिलिटी सिस्टम है सारा कुछ, तो आपके पास 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर सब कुछ है तो इसमें अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। और बात करें कंसल्टेंसी तो भरोसा कर सकते हैं, कंसल्टेंसी बहुत ही अच्छी बेहतरीन कंसल्टेंसी हो सकता है। इंशाल्लाह आपके लिए जॉब ये बेहतर साबित हो। अगली रिक्वायरमेंट की हम बात करते हैं। अगला रिक्वायरमेंट डेस्कॉन का रिक्वायरमेंट निकल कर बहुत ही अच्छा ऑफर ये निकल कर आ रहा है डेस्कॉन की तरफ से। ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट सिगुल इंटरनेशनल का रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट बिल्कुल सोचना कुछ नहीं है, ये आंख बंद करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ नोट कर लें, देखिए पहली बात तो सिगुल इंटरनेशनल की रिक्वायरमेंट है। डेस्कॉन कंपनी है अबूधाबी में जो कि है, पाकिस्तानी मैनेजमेंट है। लॉन्ग टर्म शटडाउन प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म एंड सनडाउन बोथ आर प्रोजेक्ट। स्काइप इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ जॉब कोड मेंशन करें। मेन चीज़ देखिए जब आप अप्लाई करें तो सब्जेक्ट लाइन में जॉब कोड जरूर लिखा करें। बाद में इश्यू हो जाता है, फिर आप पास मैसेज नहीं आता, रिप्लाई नहीं आता, आप बोलते भाई रिप्लाई नहीं आया, ये नहीं आया। क्लाइंट इंटरव्यू है 3 से 4 तारीख को मुंबई और चेन्नई में। अगर आप अवेलेबल है क्लाइंट इंटरव्यू देने के लिए तो तैयार हो जाए, फिर थोड़ी तैयारी कर ले, क्लाइंट इंटरव्यू दे लें। यहाँ पे देखें, यहाँ पे PICA एंड PTW होल्डर चाहिए, स्टोर कीपर चाहिए, फायर एंड होल वाचर चाहिए, फिटर चाहिए, ड्राइवर लाइट एंड हेवी, दुबई लाइसेंस के साथ में क्लीनर, हेल्पर एंड रिगर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। अगर हमारे पास कुछ भाई जुड़े हुए हैं, स्टोर कीपर वगैरह में जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है आपके लिए बेहतर हो, तो इसमें अप्लाई करें और कोशिश करें। शायद ये शरीयत मंडल स्टोर कीपर जुड़े हुए हमारे साथ में, शरीयत मंडल जी, अगर आप स्टोर कीपर में जुड़े हुए तो स्टोर कीपर में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके देख लें एक बार, हो सकता है आपके लिए बेहतर और बेहतरीन ऑफर ये साबित हो। और लाइट ड्राइवर, हेवी ड्राइवर, UAE लाइसेंस अगर है आपके पास, ठीक है ना। अगर सरफराजुद्दीन खान, अगर आपके पास UAE लाइसेंस है तो इसमें अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए पूरा प्रोसेस हम बता दे रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा आपको फिर डाउट रह जाए आप फ़ोन करके फिर पूछे भाई ये क्या, कैसे अप्लाई करना, वो कैसे अप्लाई करना, पूरा अप्लाई करने का प्रोसेस बताते हैं। ऑफिस का एड्रेस भी यहाँ मेंशन किया, आप ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। महाराष्ट्र का, चेन्नई का, दोनों का मेंशन किया। अगर महाराष्ट्र में तो ये मेल आई डी मेल कर अपना रिज्यूम, अगर चेन्नई में है तो इस मेल आई डी से मेल करें। कोई भी डाउट्स हो, कोई क्वारीज के तो फ़ोन नंबर या मेंशन के फ़ोन कर सकते हैं। और ऑफिस की बात करते हैं, भरोसेमंद और बहुत ही बेहतरीन कंसल्टेंसी है, इसमें भरोसा कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए जॉब बेहतर साबित हो। और कुछ वेल्डर और फिटर है तो वो तैयार हो जाए। यहाँ कतर के लिए कुछ रिक्वायरमेंट आ रहा है वेल्डर फिटर के लिए, तो जॉब इन कतर ये जी घी वाला का रिक्वायरमेंट है। वेल्डर स्ट्रक्चरल एंड अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर कतर, कैंडिडेट मस्ट है अवेलेबल इन कतर, ट्रांसफर वीज़ा ओनली अप्लाई। अगर आप कतर के अंदर है तो आपके लिए ये है, अगर आप कतर के अंदर नहीं है तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा। इंडिया से अप्लाई करने से कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। वेल्डर स्ट्रक्चरल चाहिए एंड वेल्डर पाइपिंग चाहिए अगर कतर के अंदर, तो इसमें अप्लाई करें। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ मेंशन किया हुआ है, पूरे पेपर में आप ध्यान से देख लें। यहाँ पे मेल आईडी मेंशन है, वेबसाइट मेंशन है, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, इसमें अप्लाई कर सकते हो। सकता है इंशाल्लाह आपके लिए जॉब ये बेहतर और बेहतरीन साबित हो। अगली रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। अगला रिक्वायरमेंट निकल गया अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर कतर का ही अगला रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है जी। इसके बारे में पूरा डिटेल्स बात करते हैं, कोशिश करते हैं पूरी जानकारी आपको देने के लिए। और कौन से जॉब का ये रिक्वायरमेंट है इसके बारे में बताएँगे। और ये जो रिक्वायरमेंट है, ये जो भी रिक्वायरमेंट है, ये आप कतर के अंदर अगर आप अवेलेबल हैं तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया से अप्लाई करने से कुछ खास फायदा होने का चांसेस नहीं है। अर्जेंट रिक्वायर्ड फॉर कतर, कैंडिडेट मस्ट हैव अवेलेबल कतर, वर्क वीज़ा ओनली अप्लाई। तो यहाँ पर देखिए डक्टिंग फोरमैन का रिक्वायरमेंट, डक्टिंग चार्जन का रिक्वायरमेंट है, डक्टमैन का रिक्वायरमेंट, असिस्टेंट डक्टमैन का भी रिक्वायरमेंट है, यानी हेल्पर का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर मेल आईडी मेंशन किया हुआ है, मेल आईडी मेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वारीज हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के ऑफिसर वेबसाइट विजिट करें। और बात करें जीगी वाला की, तो बहुत ही बेहतरीन अच्छी कंसल्टेंसी है, भरोसेमंद है, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है इंशाल्लाह जॉब आपके लिए बेहतर साबित हो। अगले रिक्वायरमेंट बात करते हैं। अगला रिक्वायरमेंट लीडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी आ रहा है। ये अगली रिक्वायरमेंट कौन सी है पूरी बात करेंगे इसका इंशाल्लाह। और ये अगला रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी इन KSA। ये सऊदी का रिक्वायरमेंट है। और रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, ये एफगी वाला की तरफ से रिक्वायरमेंट, मैकेनिकल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है, फायर प्रोटेक्शन, मैकेनिकल इंजीनियर फायर प्रोटेक्शन एंड सैलरी यहाँ पे मेंशन किया 5000 से लेकर 6000 पैकेज दिया गया है। यहाँ पे कैंडिडेट क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल यानी बीटेक होना चाहिए आपके पास में। और कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए, कैंडिडेट के पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और भी बहुत सा टर्म एंड कंडीशन है जो मेंशन किया है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है सारा मेंशन किया हुआ है, तो सारा अच्छी तरह रीड कर ले आप। जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर यहाँ पे दिया है, फायर प्रोटेक्शन जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर अगर आप हैं तो इसमें अप्लाई कर लें। और बहुत से कुछ मैकेनिकल इंजीनियर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि इन्होंने हमें मैसेज किया था कि भाई अब मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो हो सकता है आपके लिए बेहतर। और विनय कुमार पांडे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ये डिप्लोमा किए हुए मगर ये रॉयल बोल के बीटेक मैकेनिकल, तो रॉयल आपके लिए हो सकता है बेहतर हो, तो इसमें अप्लाई कर ले और देख ले पूरी तरह अच्छी तरह से रीड कर ले। अब अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कॉन्सल्टेंसी का मेल आईडी मेंशन किया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन, उन्हें कॉन्टैक्ट करें हमें नहीं। कॉन्टैक्ट आप उन्हें कॉन्सल्टेंसी को कॉन्टैक्ट करें, हमें कॉन्टैक्ट ना करें, कॉन्सल्टेंसी को कॉन्टैक्ट करें। अगर कुछ डाउट्स रहता है तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वैसा कुछ इशू नहीं है, बट आप कोशिश करें कॉन्सल्टेंसी को कॉन्टैक्ट करने के लिए, उनसे सारी डाउट क्लियर करने के लिए। तो भरोसा कर सकता है आपकी और बहुत बेहतरीन अच्छी कॉन्सल्टेंसी हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए जॉब ये बेहतर साबित हो और बेहतर हो, अच्छा हो। अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर द रेप्यूटेड हॉस्पिटैलिटी का कुछ रिक्वायरमेंट निकल के आया, कौन जनरल नर्स का रिक्वायरमेंट है। अगर नर्स के लिए कोई फाउंड कर रहे हैं तो हमारे कुछ भी कैंडिडेट हैं, अगर फाउंड कर रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए ये बेहतर ऑप्शन साबित हो जाए। अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर द रेप्यूटेड हॉस्पिटल का रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हॉस्पिटल का रिक्वायरमेंट है, हेल्थ केयर सेंटर एंड नर्सिंग होम एंड सऊदी अरेबिया, अर्जेंट इन लार्ज नंबर, वैकेंसीज इन लार्ज नंबर, शॉर्ट लिस्टिंग इन प्रोग्रेस। तो रिक्वायरमेंट है जनरल नर्स का, तो इसमें क्या है क्राइटेरिया, इसकी क्या है मेंशन की गई है यहाँ पे 4500 से लेके 7000 तक की सैलरी होने की उम्मीद है। डिग्री इन नर्स विथ मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस इन रेपुटेड हॉस्पिटल हेल्थ केयर इन नर्सिंग होम। आपके पास डिग्री होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए आपके पास। उसके बाद में आप मेल आईडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मेल आईडी मेल कर सकते हैं, कोई भी कॉन्टैक्ट कोई भी डाउट्स हो क्लियर कर सकते हैं। बात करें कॉन्सल्टेंसी तो आपकी वाला बहुत ही बेहतरीन अच्छी कॉन्सल्टेंसी है, भरोसेमंद है, भरोसा कर सकता हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए ये बेहतर और बेहतरीन साबित हो। अगला रिक्वायरमेंट वो रोलेक्स का आ रहा है, यूएई का, जैसे हमने रोलेक्स के बारे में आपको पहले ही बताया। तो ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर सीवी सिलेक्शन वेयर हाउस हेल्पर का रिक्वायरमेंट है, यूएई का रिक्वायरमेंट है। सीवी ओनली पीडीएफ फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट में इनको सीवी चाहिए, कोई वर्ड फॉर्मेट पूछता है कोई पीडीएफ फॉर्मेट पूछता है, पता नहीं क्या है। तो ये हिसाब किताब है इनका, तो देख लें यहाँ पे अप्लाई करना चाहते तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात करें रोलेक्स तो अच्छी ट्रैवल्स है, बट ये सब ऑफिस का जो झारखंड में चल रहा है इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं, तो बाकी आप समझदार हैं, सोच समझ के अप्लाई करें। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बात करते हैं, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा ही है, डिमांड फॉर दुबई। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऐसा ही निकल के आ रहा है कुछ कि जिस ऑफिस के बारे में बात करें तो कुछ खास कुछ तजुर्बा है नहीं। हेवी ड्राइवर, लाइट ड्राइवर, एक्सकावेटर, व्हील लोडर ऑपरेटर का, ये चंडीगढ़ होशियारपुर ननगल का है, ये नंबर वगैरह सारा को दिया, शिवा कॉन्सल्टेंसी चंडीगढ़, इसके बारे में कुछ खास पता नहीं, बाकी आप सोच समझ के अप्लाई करें। डिमांड फॉर अबूधाबी, ये भी वही है, डिमांड फॉर अबूधाबी, ये भी चंडीगढ़ वाली ऑफिस है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट कौन कौन से निकल के आ रही है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट शटरिंग कारपेंटर, मेसन, स्टील फिक्सर, हेल्पर, पाइप फिटर, इंस्ट्रूमेशन टेक्नीशियन वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे सब सारा डिटेल मेंशन किया हुआ, नंबर आपका कितना बंदा चाहिए, कितना सैलरी वगैरह, फूड अकोमोडेशन सारा कुछ मेंशन है। ये वही चंडीगढ़ वाली ऑफिस है, देखें अगर आपको भरोसा लगे तो इसमें अप्लाई करें, क्योंकि हमें इसके बारे में कोई खास तजुर्बा है नहीं। अब ये काम कराती है ना ये भी हम नहीं बताते, हालांकि ऑफिस तो बहुत से काम कराती, कौन से नहीं कराती। तो ये कॉन्वर्ट इंजीनियरिंग ट्रेडिंग का ये चल रहा है, कॉन्वर्ट इंजीनियरिंग ट्रेडिंग का तो बहुत पहले से भी रिक्वायरमेंट जो ओनली जीसीसी एक्सपीरियंस जिसके पास वही चले। मेसन प्लास्टर का, सेटरिंग एंड स्टील फिक्सर, फर्नीचर पेंटर, सेटरिंग कारपेंटर, वेल्डर, वाल पेंटर, हेल्पर का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे 25 से 30 साल एज चाहिए हेल्पर में और 25 से लेकर 35 साल का एज चाहिए। सिवा कॉन्सल्टेंसी चंडीगढ़ जिसे हमने पहले बताया, इसके बारे में हम कुछ खास पता नहीं, तो अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है इसमें। तो ये था हमारा अब तक का पूरा रिक्वायरमेंट। कुछ कमेंट्स के भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बात करने के लिए, कुछ डाउट्स कुछ क्वारीज है आप लोगों की वो भी कोशिश करेंगे क्लियर करने की। तो चलिए फिर कुछ कमेंट्स की बात कर लेते हैं और कुछ डाउट्स है जो कि हमारे दोस्तों भाइयों के, तो उनकी भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। फिर तो बात करते हैं अगर कमेंट्स की, तो नजरा ना मुबारक महिमकार ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मैसेज करने के लिए। राज यादव लिखते गुड मॉर्निंग ब्रो, थैंक यू वेरी मच जी राज यादव मैसेज करने के लिए। मिथिलेश कुमार लिखते गुड थैंक यू वेरी मच जी मिथिलेश कुमार। सरफराज खान लिखते हैं कोलकाता में कौन सा अच्छा कॉन्स्टिट्यूंसी है। सरफराज खान जी बात ऐसी है कलकत्ता में कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी अच्छी है कौन सी नहीं ये बताना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, इसलिए कलकत्ता में मेन ऑफिस है नहीं कोई, जो भी है सब सब ऑफिस है। मेन ऑफिस में काम होता है दिल्ली और मुंबई के बारे में बताएंगे तो चेन्नई के बारे में, तो मेन ऑफिस वहाँ पर अवेलेबल है। कलकत्ता में मेन ऑफिस अवेलेबल है नहीं, कुछ ब्रांचेज़ है तो सब ऑफिस है, तो सब ऑफिस बताने में थोड़ा डर होता है, उसके बारे में क्लियर हमें नहीं पता। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीडियो में बहुत सा जॉब है जो कि दिल्ली और मुंबई और चेन्नई का भी अवेलेबल है, तो यहाँ से ऑनलाइन सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जाके आप फिजिकली वहाँ से इंटरव्यू दे सकते हैं। शुक्रिया मैसेज करने के लिए। और मोहम्मद जी लिखते हैं जॉब लाइट ड्राइवर बाई LIC UAE 3 jobs। बात तो समझ में आई नहीं आपकी पूरी, हमारे पता नहीं क्या नहीं, बट हाँ लाइट ड्राइवर की बात करें तो जॉब तो है, जॉब आप देख लें वीडियो के अंदर अवेलेबल है। और इस्ताहानी चैनल लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी इस्ताहानी चैनल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैसेज करने के लिए। रोहित कुमार लिखते हैं उदय कुमार राम, मैं दुबई में हूँ, आप रिक्वायरमेंट आप टेलीग्राम पर भेजिए। अच्छा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम हमने अपलोड कर दिया, थोड़ा लेट हो गया था, क्या थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा काम में मसरूफ़ हो जाता है, वैसे हम कोशिश करेंगे टेलीग्राम में अपडेट करने के लिए। रोहित कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका याद दिलाने के लिए और मैसेज करने के लिए। और फिरोज़ा आफ्ताब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड जॉब जज़ाकल्ला खैर, शुक्रन हबीबी शुक्रन। और मोहम्मद इरफान लिखते हैं सभी का रिप्लाई आप करते हो, यू आर ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच जी मोहम्मद इरफान जी, बस बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि रिप्लाई करने के लिए, और जहाँ तक मुमकिन है वहाँ तक कोशिश ज़रूर करेंगे। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और मोहम्मद सईद से ये लिखते हैं AM ओवरसीज़ ऑफिस साउंड लाइन ऑफिस में वैकेंसी नहीं आ रहा है। भाई जो वैकेंसीज़ आ रहा है वो आप पहले देखो, और जो नहीं आ रहा उसका हम क्या कर सकते हैं, हमारे बस का तो है नहीं। और जो भी रिक्वायरमेंट आएगा वो आप तक पब्लिश किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई रिक्वायरमेंट ऐसा है कि जो आ रहा है जो हमसे छूट गया, तो प्लीज़ हमें ज़रूर व्हाट्सअप कर दें, हमारा नंबर पता है आपको 97778758212। अगर आपको लगता है कि कोई कोई रिक्वायरमेंट ऐसा है जो कि हमारे अंदर छूट रहा है, आप के पास आ रहा है, पहुंच रहा है, अपडेट मिल रहा है, तो आप हमें ज़रूर जानकारी दें, हम आपको जानकारी देते हैं तो आप हमें भी जानकारी दे सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, आप हमारे भाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी मैसेज करने के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, लाइक तो बिल्कुल नहीं आता है वीडियो पर, वीडियो लाइक करें। नए दोस्त पहली बार हमारे चैनल विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए। अगला वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।